नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे और उस गुप्तकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, प्रांतीय प्रशासन के बारे में, करों के बारे में, आर्थिकी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पदाधिकारियों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत शांतचित्त होके ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला पदाधिकारी क्या लिखा है? महासेनापति। महासेनापति का यहाँ आशय क्या है? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और भी बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए परीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति होता था। अगला है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत क्या है? सेना छावनी और व्यूह रचना का अधिकारी है, जो सेना छावनी और व्यूह रचना देखता था। उसके बाद दंडपाशिक है, ये पुलिस विभाग का, दंड देने वाला पुलिस विभाग का। उसके बाद महादंडनायक है, इसमें भी दंड लगा हुआ है, तो ध्यान पूर्वक, ये युद्ध और न्याय से संबंधित था। बड़ा नाम बड़ा काम, तो महादंडनायक युद्ध एवं न्याय से संबंधित और दंडपाशी पुलिस विभाग से संबंधित। उसके बाद महासंधि विग्रहिक है, ये विदेश विभाग के से संबंधित है, विदेश मंत्री है, समझ सकते हैं हम लोग। भंडाराधिकृत, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि भंडार हम लोग अन्य भंडार के हिसाब से सोच के चलते हैं, लेकिन ये क्या है? कोषाध्यक्ष है, कोष का भंडार है, मुद्रा का भंडार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद महा अक्षपटलिक है, जो राजा देश सुरक्षित रखता था, राजा के आदेशों को सुरक्षित रखता था और आय व्यय देखता था। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये पदाधिकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैचिंग कराने के लिए सामने सामने दे देता है। तो महादंडनायक में लिख के दे देगा पुलिस विभाग का प्रधान, तो वो आपके लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो रॉन्ग मैचिंग है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इधर पूछ भी रहा है तो थोड़ा सा सीरियसली। उसके बाद ध्रुवाधिकरण है। ध्रुवाधिकरण एक विभाग था, याद रखिएगा, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण एक विभाग है। और जैसे ही हम लोग हर्षवर्धन में जाएंगे, तो ध्रुवाधिकरण विभाग ना होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पद में, पोस्ट में। तो ध्रुवाधिकरण एक अधिकारी का पद हो जाएगा, तो ये कंफ्यूजिंग लाइन है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ध्रुवाधिकरण गुप्त काल में विभाग है, हर्ष काल में वो एक पदाधिकारी है। अब चूंकि यहाँ विभाग है, तो उस विभाग के अंतर्गत चार प्रमुख पदाधिकारी उसके अंडर में काम करते थे, उस विभाग में काम करते थे। पहला है शौल्किक, ये भूमिकर वसूलने का कार्य करता था। गौलमिक, जंगल से राजस्व वसूली इसका अधिकार था। देखिए, ये आ चुका है क्वेश्चन, ये शौल्किक गौलमिक पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद करणिक है, ये आधुनिक रजिस्ट्रार की भांति कार्य करते हैं, जो आज भूमि के रजिस्ट्रार होते हैं। उसके बाद लिपिक है, ये लिखने का कार्य करता था, जितना भी महत्वपूर्ण लेख होते थे, इंपॉर्टेंट, उन सबको वो राइटिंग करता था उसकी। उसके बाद स्थपति सम्राट है, जो स्त्री विभाग का प्रमुख होता था, स्त्रियों के विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, जैसे उनके वस्त्र बन रहे हैं, तो उनके पर्टिकुलर अपने कारखाने हुआ करते थे छोटे छोटे, उनको देखता था, उनके भोजन पानी और हर प्रकार की समस्या से उनको निजात दिलाता था। और उसके बाद भट्टारक है, ये राजा का ज्येष्ठ पुत्र कहलाता था। तो हम लोग को पता है कि कहीं भी ये विधान नहीं है कि राजा के बाद राजा कौन बनेगा, कौन सा पुत्र बनेगा, तो ज्येष्ठ पुत्र को चूंकि ज्यादा तवज्जो दी गई, यहां भी आप देख रहे हैं भट्टारक उसे कहा जाता था। तो धीरे धीरे ये एक नियम बन गया होगा कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बने। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने बहुत आसानी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। न्याय प्रशासन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे दीवानी और फौजदारी लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए कि दीवानी और फौजदारी आपने मौर्य काल में भी सुना होगा, मौर्योत्तर काल में भी सुना होगा, लेकिन दीवानी और फौजदारी को विधिवत रूप से पहली बार किस काल में डिस्क्राइब किया गया? गुप्त काल में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि दीवानी फौजदारी कानूनों से संबंधित विधान किस काल में तैयार किए गए, तो
तो गुप्त काल में तैयार किए गए, आपका राइट आंसर है। गलती से भी मौर्य काल मत लगाइएगा। तो कहने का आशय कि दीवानी फौजदारी जैसे मामले हुआ करते थे, हम लोग जानते भी हैं कि दीवानी चोरी चमारी वाले जो होते हैं और फौजदारी जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, तो उसमें देखते हैं। तो चार प्रकार के न्यायालय नारद ने बताए हैं, उन चार प्रकार के न्यायालयों में कुल, श्रेणी, पूग और राजकीय, ये चार प्रकार के न्यायालय हमें देखने को मिलते हैं। कुल जो है वो मतलब कुल, श्रेणी और पूग, ये एक प्रकार से आम जनता के न्यायालय हुआ करते थे। कुल जो है वो छोटा न्यायालय होता था आम जनता का, और जो श्रेणी है ये श्रेणियों के न्यायालय हुआ करते थे। हम लोग जानते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं कि श्रेणी न्यायालयों की भांति भी कार्य करती थी। उसी तरह पूग था, पूग भी आम जनता का न्यायालय था और उसके ऊपर राजकीय न्यायालय था। हालांकि न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी सम्राट ही होता था, क्योंकि हम लोग राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चल रहे हैं। पूरे भारत के इतिहास में एंशियंट मिडिवल मॉडर्न में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नालंदा और वैशाली से न्यायालयी मुद्राएं मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नालंदा से और वैशाली से हमको न्यायालयी मुद्राएं मिली है। न्यायालय की मुद्राएं मिली हैं हमको कहां से? नालंदा और वैशाली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद पहरेदार को रक्षिन कहते थे। क्या कहते थे? रक्षिन। मौर्य काल में रक्षिन किसे कहते थे? पुलिस को कहते थे। याद रखिएगा, मौर्य काल में रक्षिन पुलिस है और गुप्त काल में रक्षिन पहरेदार है। ये सब इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट करके ध्यान रखेंगे तो याद बना रहेगा। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं करंट के वीडियो डालने के लिए, तो उसके लिए मैं एक 5-6 मिनट का वीडियो डालूंगा, उसको जरूर सुनिएगा। एक नियम के तहत वो वीडियो रहेगा, उसके बाद हम लोग करंट पे हम लोग फिर निर्णय पर पहुंचेंगे। तो वीडियो वेट करिए उस 5 मिनट के वीडियो का, और अगर मैंने पढ़ाया तो मैं आपका पूरा करंट कवर करा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। प्रांतीय शासन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रांत को गुप्त काल में क्या कहते थे? देश कहते थे, क्योंकि जो जूनागढ़ अभिलेख है तो जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को देश कहा गया है। क्या कहा गया है? देश। सौराष्ट्र क्या है? प्रांत, जहां पर चक्रपालित था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था, तो सौराष्ट्र को देश कहा गया है। इसका प्रधान क्या कहलाता था? गोप्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रांत का प्रमुख गोप्ता होता था, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। उसके बाद प्रांत के बाद एक प्रशासनिक इकाई थी भुक्ति। भुक्ति जो है ये गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है, ये शब्द भुक्ति का, और कुछ इतिहासकार भुक्ति को ही गुप्त साम्राज्य के पतन का कारक मानते हैं। तो भुक्ति का जो प्रधान है वो उपरिक कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपी कमीशन पूछ चुका है कि भुक्ति का प्रधान कौन होता था, तो उपरिक प्रधान होता था। उसके बाद जिला है, तो जिले को विषय कहते थे और विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। विषयपति की सहायता के लिए कौन कौन होता था? नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन विषयपति की सहायता करता था, तो अगर 1, 2, 3, 4 करके दे, अगर मान लीजिए यही चारों लिखे हुए हैं तो चारों को टिक करना है आपको, ठीक है? तो हम लोग जानते ही हैं श्रेणी न्यायालय मतलब श्रेणी और व्यापार और कुलिक और कायस्थ कोई लेखन पठन से संबंधित है, तो ये चारों ही विषय में विषयपति की सहायता करते थे। आगे बढ़ते हैं। विषय के बाद क्या आता है? विषय के बाद वीथी, पेठ, ग्राम, पथ, अग्रहार, ये एक ही है। कहीं पे वीथी बोल रहे हैं, कहीं पेठ बोल रहे हैं, कहीं ग्राम बोल रहे हैं, कहीं पथ बोल रहे हैं, कहीं अग्रहार बोल रहे हैं, है एक ही चीज। विषय के बाद की प्रशासनिक इकाई, गांव से बड़ी, विषय से छोटी, जिसको आज हम लोग टाउन एरिया टाइप का कह सकते हैं। उसके बाद नगर का प्रमुख कौन होता था? पुरपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर का प्रमुख पुरपाल होता था, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में नगर का प्रमुख क्या कहलाता था? पुरपाल। उसके बाद ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी,
जानते ही हैं हम लोग। तो ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? या तो ग्रामपति, या महत्तर, या भोजक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रामपति, महत्तर या भोजक कहलाता था। कौन? ग्राम का प्रमुख। उसके बाद गांव की आय व्यय कौन देखता था? तो तलवारक नामक अधिकारी देखता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्त काल में गांव की आय व्यय कौन देखता था? तो तलवारक नामक अधिकारी गांव की आय व्यय देखता था। तलवारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए तो एग्जाम में ध्यान जाएगा। उसके बाद कर है, तो हम जानते हैं कि भू राजस्व सबसे बड़ा स्रोत पूरे भारत के इतिहास में रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और पता नहीं कब तक रहेगा। तो जब तक रहेगा तब तक कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहेगी। तो यहां भी था, तो भू राजस्व प्रमुख स्रोत है और 1/6 भाग भू राजस्व वसूला जाता था। उसके बाद अन्य करों के नाम क्या है? उद्रंग, उपरी कर, भूतो, वात प्रत्यय और विष्ट। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे गुप्त काल में विष्ट क्या था, या गुप्त काल में भूतो क्या था, या गुप्त काल में वात प्रत्यय क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? एक प्रकार का कर, टैक्स। आगे बढ़ते हैं, भूमि मापने वाला क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कमीशन पूछ चुका है, क्या पूछा है अभी बताते हैं। तो भूमि मापने वाला क्या कहला रहा है? प्रामात्र। अगर कोई सीमा माप रहा है, सीमा की माप कर रहा है, तो उसे सीमा प्रमात्र कहते थे। तो प्रामात्र शब्द याद रखिएगा, मापने वाला। और इसकी इकाई यूनिट क्या होती थी? नल, नालक, हस्त। तो हाथ, जैसे इसको एक हाथ मान लिया, कहते हैं कि 10 हाथ बराबर जमीन हम खरीदना चाहते हैं, तो 10 हाथ बराबर। तो उसी प्रकार से हस्त, नल और नालक, ये क्या थी? ये यूनिट्स थी माप की, ठीक है। तो इतना ही डेवलपमेंट हो पाया था मेजरमेंट में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इकाई क्या है? नल, नालक और हस्त। तो वही नालक पूछा था आपसे यूपी कमीशन ने 2012 या 2013 की परीक्षा में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये नल, नालक, हस्त क्या है? इकाई है। किसकी? भूमि मापने की। और भूमि मापने वाला क्या कहलाता था? प्रामात्र। आगे बढ़ते हैं, आर्थिकी में थोड़ा देखते हैं भूमि के प्रकार। तो जो नॉर्मल भूमि होती थी, जो सभी लोग जानते थे जिनके बारे में, उन भूमियों को क्या कहते थे और उसका वो होती कैसी थी, इसको समझ लेते हैं। तो भूमि के प्रकार में क्षेत्र, जो कृषि योग्य भूमि होती थी, वास्तु, निवास योग्य भूमि होती थी, सिल, कभी ना जोती गई भूमि, जिसको कभी जिस पर कभी खेती ना की गई हो, ऐसी भूमि को सिल कहा जाता था। खेती हो सकती है लेकिन की नहीं गई, ऐसी भूमि सिल। खिल क्या है? बंजर भूमि। तो बंजर भूमि, अब इस पर भी खेती नहीं हो रही लेकिन इस पर खेती होगी भी नहीं, क्योंकि बंजर भूमि है जब तक उसको सुधारा ना जाए। तो खिल क्या है? बंजर भूमि। नाल क्या है? खेती हर भूमि। यह भी ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है। अप्रदा, सरकार को आय नहीं होती थी। अप्रदा, प्रदा मतलब प्रदान करना, कुछ भी प्रदान नहीं करती थी, ऐसी भूमि अप्रदा कहलाती थी, जिससे सरकार को कोई मुनाफा ना हो, कोई आमदनी ना हो। औदक भूमि दलदली भूमि कहलाती थी। औदक भूमि दलदली भूमि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शब्द है अमरकोश, एक बुक है हम लोग जानते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय नवरत्न थे, उसमें से एक है अमर सिंह, उन्हीं की अमरकोश है। तो अमरकोश में भूमि के 12 प्रकार बताए गए हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि वो 12 प्रकार क्या है और वो भूमि किस प्रकार से सरल शब्दों में समझी जा सकती है। तो उसमें पहला है उर्वरा, जो उर्वर भूमि होती है। ऊसर, बंजर भूमि टाइप की। मरु, मरुस्थली भूमि। अप्रहत, जिसे छुआ ही ना गया हो। शाद्वल, बाग बगीचे वाली भूमि। पंकिल, कीचड़ युक्त भूमि। जलप्रायणगम, जो जल में डूबी रहती है। शर्करा, पथरीली भूमि। शर्कावती, रेतीली भूमि। कच्छ, कच्छ वाली भूमि। नदी मात्रक, नदी से जो जल प्राप्त करे। देव मात्रक, जो वर्षा से जल प्राप्त करे। तो नदी मात्रक और देव मात्रक आप जानते हैं कि कई बार एग्जाम में
पूछा गया है, यूपी का मिशन पहुंच चुका है। तो देव माता की भूमि उससे पिछली बार पूछा था, ये भी 2012-13 के आसपास पूछा गया है, तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखने की आवश्यकता है। क्या है? बयाना राजस्थान से सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्कों का ढेर मिला है। तो बयाना कहाँ है? भरतपुर के पास, आगरा के पास। बयाना है कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान से हमको क्या मिला है? सोने का सबसे बड़ा ढेर मिला है। उसके बाद दीनार गुप्तों की राजकीय मुद्रा थी, जैसे हम लोग ने मौर्य काल में पढ़ा था, मौर्यकालीन राजकीय मुद्रा क्या थी? पण, ठीक है। हालांकि ये मुझे आपसे पूछना चाहिए था, निकल गया मुझसे। तो दीनार गुप्तों की राजकीय मुद्रा थी, और दीनार रोमन शब्द है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनार कहाँ का शब्द है? रोमन शब्द है। उसके बाद सर्वाधिक व्यापार गुप्त काल में कहाँ से होता था? तो सर्वाधिक व्यापार गुप्त काल में आपको क्या टिक करना है? दक्षिण पूर्व एशिया। गलती मत करिएगा कि आप पश्चिम एशिया को टिक कर दें, पश्चिम एशिया से व्यापार होता था, लेकिन गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। तो ये आपके लिए गुप्तकालीन प्रशासन की अति महत्वपूर्ण जानकारियां थी, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग गुप्तकालीन समाज और धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज और धर्म पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद गुप्तकालीन साहित्य पर चर्चा करेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे। सभी पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो क्रम से देखिए, एक बार क्रम से देखेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी कभी आप रिवाइज मोड में उसको देख सकते हैं, अभी परीक्षा है। मेरा आपसे कहना है, एनसीएंट के सभी वीडियो जितने शीघ्र हो सके उतने शीघ्र उनको सुन लीजिए, 19 के पहले आपको 19 में लाभ मिलेगा, 6-8 प्रश्नों का भी लाभ मिल जाता है तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है, माइनस मार्किंग है, इस बात पर ध्यान रखिए। तो उन प्रश्नों पर जाइए जो आपको 100% आते हो। वीडियो देखने के बाद कॉन्सेंट्रेट होकर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बहुत शांतिपूर्वक आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ऑनलाइन देखिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें।